वेलकम टू एकलव्य जीएस। मित्रों, आज 28 दिसंबर है। आज हम करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सर्वप्रथम मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो आप तक तत्काल पहुंच जाए। देखते हैं मित्रों, आगे देखते हैं। वह महिला भारोत्तोलक जिसने कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक जीतने के साथ दो नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, ये राखी हल्दर है, ये भारोत्तोलक है भारत की। अगला देखते हैं। कपूर समित, राजस्थान सरकार ने 2010 में सांभर झील में मरे पक्षियों की मौत के बाद गठित मौत के कारण जानने के लिए ये गठित किया था कपूर समित। सांभर झील अरावली पर्वतमाला की आड़ में स्थित है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील जयपुर, अजमेर और नागौर जिले में विस्तारित है। अगला देखते हैं। किस देश में क्रिसमस के मौके पर फनफोन तूफान या उर्सुला तूफान ने तबाही मचाई? ये फिलीपींस में मचाई है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और वहाँ की मुद्रा है फिलिपिनो पेसो। फिलीपीन के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते। मशहूर पत्रिका द क्रिकेटर ने किस भारतीय खिलाड़ी को एक दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है? ये विराट कोहली को चुना है। अन्य खिलाड़ी इसमें हैं आर अश्विन, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा और महिला क्रिकेटर हैं मिताली राज। आगे देखते हैं। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला देखते हैं। कलर्स ऑफ द माउंटेन और एक और पुस्तक है गर अंडर ए रोड मून, ये पुस्तक लेखक है द चेन। आगे देखते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने 23 दिसंबर को ट्रांसफार्मिंग एमएसएमई इन द न्यू ग्लोबल एरा, यहाँ पे एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, विषय पर किस जगह परिषद आयोजित किया है? ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया है। और सीआई की बात है, देख लेते हैं सीआई को। सीआईआई की स्थापना 1895 में मुख्यालय नई दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में हुआ, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और मौके पे जो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद अभी चल रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री है वाईएसआर राजशेखर रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी है। आगे देखते हैं। गोपालपुर बीज उत्सव 24 दिसंबर को कहाँ हुआ? ये गोपालपुर, बहरमपुर, ये उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पे हुआ है। और उड़ीसा की बात तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? ये तेलंगाना ने लिया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, यहाँ के मुख्यमंत्री है केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव। आगे देखते हैं। किस भारतीय रियल्टी कंपनी को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का प्रमाण पत्र दिया है? ये दिया है डीएलएफ को, ये रियल इस्टेट कंपनी है। डीएलएफ का फुल फॉर्म है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। इसके संस्थापक चौधरी राघवेंद्र सिंह, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? ये तमिलनाडु ने हासिल किया है। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक का, तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, 17वें स्थान पर है और बिहार सबसे निचले पायदान पर है। यह सूचकांक 10 क्षेत्रों के आधार पर जारी किया जाता है। इसमें कौन कौन से 10 क्षेत्र हैं इसको देख लेते हैं मित्रों। नंबर 1 कृषि और संबद्ध क्षेत्र, नंबर 2 वाणिज्य और उद्योग, नंबर 3 मानव संसाधन विकास, नंबर 4 जन स्वास्थ्य, नंबर 5 सार्वजनिक ढांचा और सुविधाएँ, नंबर 6 आर्थिक शासन, नंबर 7 समाज कल्याण और विकास, नंबर 8 न्यायिक और लोक सुरक्षा,
9 पर्यावरण, 10 नागरिक केंद्रित शासन। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।